देश के अच्छे दिन आए हो या नहीं, लेकिन मोदी सरकार के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है, या फिर यूँ कहें कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत ने एक बार फिर बाजी मारी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिस्ट में भारत 130वें स्थान से सीधे 100वें स्थान पर आ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत 190 देशों में से टॉप 100 देशों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। इस सफलता पर देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक देखा जाए तो पिछले कई सालों से जो 189 कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं, उसमें हिंदुस्तान 130-140 इस रेंज में रहा है। सन 2014 में हम लोग 142 पे थे। उसके बाद पिछले दो वर्षों में 131 और 130 पे हम लोग आए हैं, और ये कोई जनरलाइज्ड रैंकिंग नहीं होती कि आपने क्या क्या कार्रवाई की अपने देश में बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की। ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में होती है और उसकी बहुत ही कठिन मापदंड लेते हैं वो। और इस साल की जो रैंकिंग दी गई है उसमें पिछले वर्ष की 130 नंबर रैंकिंग से हम लोग 30 स्थान आगे आकर 100 नंबर पर आए हैं। अब नाउ वी आर रैंक 29th इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन हम लोगों ने हाजिर की है। एक तीसरा क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलना किसी बिजनेस के लिए या बिजली का कनेक्शन मिलना, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वी आर नाउ रैंक 29th इन द वर्ल्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर माइनॉरिटी शेयर्स प्रोटेक्शन, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन में 4th हैं, गेटिंग क्रेडिट में 29th हैं, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में 29th है, तो ये हमारी एवरेज जो कभी 142 पे थी उसको धीरे धीरे पुश करके 100 के ऊपर लाए। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की माने तो बुनियादी ढांचे में सुधार, टैक्स भुगतान की सरल प्रतिक्रिया और आर्थिक सुधारों की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 100वां स्थान मिला है। लेकिन भारत की इस बड़ी छलांग पर वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट एनिटो डिक्सन ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। India has improved its performance across the board in doing business. We measure 10 indicators, and India has actually improved in 9 of these. So things like the time taken to start a business, the ease of getting construction permits, the development of the new insolvency and bankruptcy code, these are all things which are measured and which are picked up. One thing that's important is that the things that we measure are things that we can compare across countries. So it's a standardized survey and it's measured at the firm level. तो गुजरात चुनाव से ऐन वक्त पहले भारत की सुधरती बिजनेस रैंकिंग ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ईज ऑफ डूइंग के टॉप 50 देशों की लिस्ट में भारत अपनी जगह बना पाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। NMF News की रिपोर्ट।